अमृत भारत स्टेशन प्रकल्प उद्बोधन बिरोधी तोप दागलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्नयन बिरोधिता करे चले बिरोधीरा राज्य कारा क्षमताय ता देखा होच्छे ना वोट राजनीतिर ऊर्धे उठे उन्नयन मिशन मंतव्य नरेंद्र मोदी दुर्नीति एवं परिवारवाद निये खोचा दिए इतिमध्ये प्रधानमंत्री चारों तरफ एक ही गुंज है करप्शन फिट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो डायनेस्टी फिट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो अपीजमेंट फिट इंडिया यानी तुष्टिकरण इंडिया छोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी এই বিশেষ কর্মসূচিতেও বিরোধীদের নিশানা করলেন সেখানে তিনি বলছেন যে বিরোধীরা একজোট হয়ে তারা পুরনো ধারাতেই এখনো চলেছেন বিরোধিতার জন্য শুধুমাত্র বিরোধিতা করে চলেছেন আর একই সঙ্গে তিনি বলেন যে যা কিছু সরকার উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ করেছে তা সর্বক্ষেত্রে বিরোধীরা বিরোধিতা করেছে নতুন সংসদ ভবন তৈরি হোক বা কর্তব্যপথের নির্মাণ সেক্ষেত্রে বিরোধিতা করা হয়েছে ওয়ার মেমোরিয়াল নিয়ে বিরোধিতা করা হয়েছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি সর্দার বল্লভভাই পটেলের মূর্তি সেটা নিয়েও বিরোধিতা করা হয়েছে নেতিবাচক রাজনীতির ওপরে উঠে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করে চলেছে বিজেপি সরকার কাজ করে চলেছে এই কথাই তিনি বললেন दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने धरे पर चल रहा है वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे न काम करेंगे न करने देंगे विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है किस राज्य में किसकी सरकार है कहां किसका वोट बैंक है इस सबसे ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं बांग्लार आवाज बांगालीर आवेग जी 24 घंटा